नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो फ्रेश सिक्योरिटी से लेकर है। यदि आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख के, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। फेसबुक हमारे कई एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, साथ ही साथ फेसबुक हमारी बैंक डिटेल, पेटीएम, एटीएम, इन सब की इंफॉर्मेशन रखता है और हमें पता तक नहीं चलता है कि फेसबुक हमारी कौन कौन सी जानकारियां एक्सेस करता है। कई बार आपको आश्चर्य होता होगा कि जब हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वॉलमार्ट आदि पर किसी वस्तु की रेट देखने के लिए या किसी वस्तु को खरीदने के लिए वहाँ सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद में जब हम फेसबुक पर लौटते हैं कुछ समय पश्चात, तो हम वही वस्तु या वही चीज़ एज एडवर्टाइजमेंट के रूप में अपन फेसबुक पर देखते हैं। और यह सब किसके कारण होता है? ये फेसबुक की जो एक्टिविटी होती है एंड ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, उसके कारण ही होता है। फेसबुक जो हमारी कई गतिविधियां, कई एक्टिविटी को एक्सेस कर रहा है, उस एक्सेस एक्टिविटी के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। चलिए देखते हैं फेसबुक हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज़ करता है और उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें अपने अकाउंट को ओपन कर लेता है। उसके बाद में ये राइट हैंड कॉर्नर पर जो तीन लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल कीजिए और उसके बाद में लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए। एक बार फिर ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में नीचे चलना है अपन को और यहाँ लिखा हुआ है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, इस पर क्लिक कीजिए। क्या करना है? ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पर क्लिक कीजिए। ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, तो इसमें देखिए तीन एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, ट्रिकोलर, एक फ्लिपकार्ट और एक DDC.com। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको फेसबुक एक्सेस कर रहा है, अर्थात अपन जो भी चीज़ मोबाइल में फेसबुक के साथ मतलब किसी दूसरे ऐप पर देखते हैं, वो थोड़ी देर में अपन को फेसबुक पर देखने को मिल जाती है, या यूट्यूब पर देखते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है किसी अन्य एप्लीकेशन पर जिसको फेसबुक एक्सेस कर रहा है, तो वह फेसबुक वहाँ से इंफॉर्मेशन चुरा लेता है और बहुत जल्दी उसके एडवर्टाइजमेंट एड फेसबुक पेज पर हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो इसे मिटाने के लिए क्या करना है अपन को, क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। क्या करना है? क्लियर हिस्ट्री, यस, क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक कर दो। ये सारे क्लियर हो गए। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में अपन करना है मोर ऑप्शन पर क्लिक। मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में लिखा है, तीन चार ऑप्शन है उसमें, सेकंड लास्ट ऑप्शन लिखा है मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, यहाँ पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करना है मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, इस पर क्लिक कीजिए। फिर नीचे नीचे लिखा है मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, यहाँ पे क्लिक कीजिए और लिखा है फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, इसे ऑफ कर लीजिए। यस, टर्न ऑफ कर लीजिए। अब ये ऑफ हो गई है। तो फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी यहाँ से टर्न ऑफ हो गई है। अब फेसबुक हमारी किसी प्रकार की जो एप्लीकेशन है, बैंक अकाउंट है, पेटीएम है, यहाँ की जो डाटा है, जानकारियाँ हैं, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस प्रकार आप अपने फेसबुक अकाउंट में इस एक्टिविटी को ज़रूर टर्न ऑफ कीजिए, ताकि आपकी कहीं महत्वपूर्ण जानकारियाँ लीक होने से बच जाए। और फेसबुक कई बार फेसबुक हैक हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस एक्टिविटी को ज़रूर टर्न ऑफ कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए या नहीं हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।